मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के बीटेक के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज के इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ सम सॉल्व करेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इससे पहले हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर में सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट स्टडी किया था, सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जिसके अंदर में हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नंबर 3 बैलेंस शीट। सेम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी हमको कुछ यही अकाउंट्स इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, लेकिन इसमें कुछ एक अकाउंट जो होगा वो एक्स्ट्रा अकाउंट होगा, जिसको हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के बारे में 11th में ओसी के अंदर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म कहते हैं उस फर्म को, उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कि जिसके अंदर में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। जो बिजनेस को टुगेदर भी एक साथ में मिलकर रन करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, ऐसे फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इस फर्म के अंदर में इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है, जो एग्रीमेंट के अंदर में इनके फर्म्स और इनके बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारी की सारी चीजें इस एग्रीमेंट में लोग मेंशन कर देते हैं। और एग्रीमेंट करना, यहाँ पे एग्रीमेंट दोनों दो तरीके से हो सकता है, या तो ओरली हो सकता है या तो फिर रिटर्न फॉर्मेट के अंदर में भी हो सकता है। ओरली अगर एग्रीमेंट किया तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं कि अगर आज अगर दो फ्रेंड्स ने आपस में डिस्कशन किया कि हम लोग कल ऐसा ऐसा करने वाले, लेकिन कल वो लोग अपनी बातें पलट सकते हैं, अपनी बातों से मुकर सकते हैं, अपनी बातों से चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन जब अगर रिटर्न फॉर्मेट में अगर हम कोई चीज करते हैं तो वो रिटर्न होती है, उसके ऊपर सारे पार्टनर्स के साइन भी होते हैं, तो वो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती है और ना ही फ्यूचर में कोई अपनी बात से पलटी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे एग्रीमेंट बनाना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। एग्रीमेंट बनाना ये ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए ये जो बिजनेस है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, वो एक लॉफुल बिजनेस हो जाता है। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम कोर्ट में जाकर इसके रिगार्डिंग जो भी चीज है या जो भी बात हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर जो होते हैं 50। उसके बाद बात करेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर में हमने अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं। इसके अंदर में हमने टोटल सेम फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, नंबर 3 जो हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया होगा, शायद किया भी होगा किसी ने और किसी ने नहीं भी किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो एक अकाउंट एक्स्ट्रा जो प्रिपेयर करेंगे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या कभी कभी इसकी जगह पे हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स या तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या तो यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
दोनों भी अकाउंट प्रिपेयर किया तो भी चलता है, लेकिन कभी कभी ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने में यहाँ पे दो मार्कर्स आते हैं, जिसमें एक मार्कर होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड की। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में जो पार्टनर्स होते हैं उनका कैपिटल फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स। इसीलिए फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट ये दोनों भी अकाउंट्स क्या करने होते हैं? प्रिपेयर करने होते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में इनका जो कैपिटल होता है पार्टनर्स का वो फ्लक्चुएटिंग होता है, हर साल वो फ्लक्चुएट होते रहता है, जो फिक्स नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड नहीं है, जो हर बार चेंज होते रहता है। इसलिए इस फ्लक्चुएटिंग मार्केट के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हमने क्या करंट अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद तो समझ में आ गया कब कैपिटल अकाउंट और कब करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। फिर से एक बार बोलूंगा, जब हमारा फिक्स कैपिटल मेथड होगा उसके अंदर में करंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो हमने यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। अब कैसे समझ में आएगा ये फिक्स कैपिटल मेथड है या ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है? इसको समझने का सबसे इजी ट्रिक ये रहेगा कि जब भी हमें क्वेश्चन होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, अगर जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो ट्रायल बैलेंस में कभी कभी डेबिट साइड में भी होगा या कभी कभी क्रेडिट साइड में होगा, या दोनों का डेबिट साइड में हो सकता है या दोनों का क्रेडिट साइड में होता है, हमको सिर्फ क्या करना है? हमको सिर्फ ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर में करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए है क्या। अगर करंट अकाउंट बैलेंसेस दिए हुए है इसका मतलब वो जो सम है वो हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। और अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस अगर हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए क्वेश्चन में, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए हैं, तो वो सम होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने इसके पहले बताया कि जो फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों भी प्रिपेयर करने होते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर में हम सिर्फ प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में अगर हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो होता है वो कैसा होता है? फिक्स। इसके लिए इसका जो बैलेंस होता है वो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। वो सारी चीजें हम समझेंगे हमारे जब प्रैक्टिकल सम हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से उसको समझ में आएगी। फिलहाल हमने इतना याद रखना है कि जिस मेथड के अंदर में कैपिटल फिक्स होता है उसे हम फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं, और उसके अंदर में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा इसमें इनका कैपिटल पार्टनर्स का फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होते रहता है हर साल, इसीलिए इसके अंदर में हमने कैपिटल अकाउंट को ही प्रिपेयर करना है, करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, सबसे पहला जो मैंने अकाउंट लिखा था वो था ट्रेडिंग अकाउंट।
दूसरा जो मैंने लिखा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये दोनों क्या है, अकाउंट्स है। नंबर तीन पे मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये भी अकाउंट है। और उसके बाद मैंने लिखा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी अकाउंट है। लेकिन अब मैं जो लिखने जा रहा हूं ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब मैंने इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, ये स्टेटमेंट। सो ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम के अंदर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फिल द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है कि बैलेंस शीट इज अकाउंट ट्रू या फॉल्स, तो ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। चलो ठीक है, ये चार चीजें हमने इस चैप्टर में इसके अंदर में हमने प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट की। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा आया, ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेज एंड सेल। क्या, किसका परचेज एंड सेल, गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्या आएगा, अब देखो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड परचेज एंड सेल्स, मतलब किसका परचेज एंड सेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अब इसमें ये दो चीज आ गई है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। सबसे पहले हम जो आता है वो क्या आएगा, परचेज आएगा, कि हमने पूरा ईयरली, तो बेसिकली हम लोग इस साल में 12 के अंदर में जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो का 1 ईयर के लिए, और नॉर्मली जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो 1 ईयर के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है, मैक्सिमम 1 ईयर से, 1 ईयर से ज्यादा वो अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता है। तो जो साल भर का परचेज है उस परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स जो है उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं कि जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, क्या लिखने वाले इसमें, जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उन एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग समझ लेते हैं जो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला हो गया परचेज, उसके बाद हम बात करते हैं वेजेस। वेजेस किसे कहते हैं, जो बंदा प्रोडक्शन के लिए काम करता है, जो लेबर प्रोडक्शन के लिए काम करता है उसको जो डेली वेजेस पे किया जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में। जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पे करते हैं, जिसको हम लोग अकाउंट में कुछ अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं फ्रेट, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेट। जैसे कि हम उसको बोलते हैं कैरेज, क्या बोलते हैं उसको, कैरेज। और होता है कैरेज इनवर्ड, क्या होता है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, जो परचेज करने के लिए हमने ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे किया उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, उसको बोलते हैं फ्रेट, उसको बोलते हैं कैरेज। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में कभी कभी अलग अलग तरीके से बोलेगा, जिन चीजों को हमने कहां पर रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जिसको हम लोग कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस, वो कौन से फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पावर फ्यूल, फैक्ट्री इंश्योरेंस वगैरह, जितने भी एक्सपेंसेस है फैक्ट्री से रिलेटेड, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। अब इसमें कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, अभी मैंने कहा कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो कभी कभी फैक्ट्री इंश्योरेंस,
ये एक्सपेंस है, इंश्योरेंस क्या एक्सपेंस है, फैक्ट्री वेजेस ये क्या है एक्सपेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस या फैक्ट्री वेजेस या फैक्ट्री पावर फ्यूल ये सब क्या है एक्सपेंसेस है। बट कभी कभी आता है क्वेश्चन के अंदर में फैक्ट्री बिल्डिंग, अब ये फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है एसेट है, ये क्या है एसेट। तो हर किसी चीज के आगे अगर फैक्ट्री लगाए इसका मतलब वो यहां नहीं जाएगा, आपको पहला समझना है कि वो एक्सपेंस है या नहीं है, अगर वो एक्सपेंस है तो ही जाएगा, अदरवाइज फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री मशीनरी है, फैक्ट्री लैंड है, तो ये जो सारी चीजें ये क्या होती है एसेट्स होती है, और ये चीज है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड की जाती है, इन चीजों को बैलेंस शीट में क्या किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ठीक है, तो ट्रेडिंग की कुछ चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या चीजें आएंगी, जो भी एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग के कुछ क्रेडिट साइड में आने वाली नॉर्मली जो चीजें होती है वो होती है सबसे पहले तो सेल्स, सेल्स के बाद में होता है स्टॉक, स्टॉक होता है दो टाइप का, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या, जब भी अपना अकाउंटिंग शुरू हुआ जिस डेट से उस डेट के स्टार्टिंग में उस डेट पर हमारे पास जो भी स्टॉक अवेलेबल था लास्ट टाइम का उसके पहले का जो बच गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। कौन से वाली डेट पर, ओपनिंग डेट, कौन सी अकाउंट की, जब भी हम अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो स्टार्टिंग की फर्स्ट डेट होती है उस दिन जो हमारे पास स्टॉक बचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, जब साल एंड होता है, जब हमारा पीरियड एंड होता है, एंड के पीरियड में जो गुड्स अनसोल्ड हमारे पास बच जाती है, जिसको अभी तक हमने सेल नहीं दिया वो हमारे पास स्टॉक के फॉर्म में है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और आ गए एकदम सिंपल, एक आ गया ओपनिंग स्टॉक और एक आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे स्टार्टिंग में, मतलब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग का शुरुआत कहां से होता है यहां से, तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, जबकि क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा लास्ट पीरियड का, तो समझ जाओ ये कहां आएगा सबसे लास्ट में, इसका एंडिंग कहां पे होगा यहां पे होगा। समझ में आया कुछ, स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक, अकाउंट यहां से शुरू होता है समझो यहां पर आता है यहां पे एंड हो रहा है, इसका मतलब यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, या इन शॉर्ट कट समझ लो डेबिट साइड में स्टार्टिंग में आएगा ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है हमारे डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, इसका ट्रेडिंग अकाउंट, इसके अंदर में आने वाली चीजें कौन सी थी, सबसे पहली सेल्स और ये क्लोजिंग स्टॉक, इधर आया था परचेस, उसके बाद में आया था यहां पे वेजेस और कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जिनको हम यहाँ पे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कौन से अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब इसमें क्या आएगा, इसमें भी आएंगे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, मतलब अकाउंट को अगर मैं प्रिपेयर करूं कुछ इस तरीके से प्रिपेयर होगा, इस साइड में आने वाले एक्सपेंसेस, इस साइड में आने वाले है इनकम जो डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। एक्सपेंसेस कौन सा है,
इसके अंदर में एक्सपेंसेस आएंगे आपके ऑफिस से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड और कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये तीन टाइप के एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने हैं। पहले ऑफिस से रिलेटेड, अब बताओ ऑफिस से रिलेटेड खर्चे कौन से होते हैं? ऑफिस में क्या खर्चे होते हैं? ऑफिस में आ जाओ, ऑफिस में आके देखो क्या खर्चे होते हैं। क्या होता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है ऑफिस के अंदर में। लाइट बिल यूज होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस के अंदर में। और क्या यूज होता है? प्रिंटर, कार्टेज वगैरह यूज होते हैं। सैलरी, एम्प्लॉइज काम करते हैं, सैलरी देनी पड़ती है उनको कि नहीं? हाँ देनी पड़ती है। और ऐसे जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, तो कुछ खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है वो ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ सेल से रिलेटेड खर्चे। अब सेल से रिलेटेड खर्चे कौन से? सेल से रिलेटेड खर्चे मतलब सबसे पहले अभी मान लो जब हम किसी को सेल करते हैं उसको होम डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी देते टाइम वैन लेकर जाती है, उसका वैन चलाने वाला ड्राइवर होता है, उसको कुछ खर्चे। तो ऐसे एक्सपेंसेस अगर हम कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस को हम कौन से एक्सपेंस बोलेंगे? सेल्स एक्सपेंस। और जब हम सेल करते हैं डिस्काउंट देते हैं सो भी सेल एक्सपेंस हो गया। अब किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिट पे सेल करने के बाद कुछ बंदे होते हैं जो थोड़े नालायक टाइप के होते हैं, मतलब जो पैसा पेड नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? ऐसा जो अमाउंट होता है, ऐसा एक्सपेंस होता है, ऐसा जो लॉस होता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है आरडीडी और एक होता है बैड डेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आरडीडी की। सबसे पहले इसका हम फुल फॉर्म समझते हैं, व्हाट इज इसका फुल फॉर्म है क्या? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। अब इसी के अंदर में इसका मीनिंग भी है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा, डाउटफुल ऐसा कर्जा जो डाउटफुल है, जो मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो मतलब जो खर्चा हमने या जो सेल्स किया किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसमें कुछ डाउटफुल होता है कि ये मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग आरडीडी। उसके बाद हम बात करते हैं बैड डेट्स। बैड, इसमें दो वर्ड्स अलग कर दो, पहला है बैड बहुत बेकार डेट, ये 100% क्या हो चुका है? डूब चुका है, इसलिए बोले बैड डेट। डेट मतलब कर्जा, बैड खराब वाला कर्जा, खराब वाला कर्जा मतलब ऐसा वाला जो डूब गया है, तो ये होता है बैड डेट। तो ये रिलेटेड किससे है? सेल से, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की, एग्जांपल्स की। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर में इंटरेस्ट, जो कमीशन है, ये जो सारी चीज है। कमीशन तो सेल्स से रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर में इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये जो सारी चीजें हो गई इसमें आती है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर में। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर में जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं, तो सबसे पहले हमने लॉजिकली सोच के देखना है कि उसमें ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, सेल्स से रिलेटेड खर्चा है और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। तो थोड़ा सोचेंगे तो बाकी के जो भी एग्जांपल नए नए क्वेश्चंस में कुछ नए नए एक्सपेंसेस अगर दिए होंगे तो हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये ऑफिस से रिलेटेड है तो उससे हमने प्रॉफिट लॉस में लिखना है, सेल्स से रिलेटेड है उससे हमने प्रॉफिट लॉस में लिखना है, और फाइनेंस से रिलेटेड है उसने हमें प्रॉफिट लॉस के अंदर में लिखना है। तो इसकी कुछ चीजें, कुछ बात मैंने भी बताई है, इसका पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एक लिस्ट है एक पेज का, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, उसको आप एक बार रीड करेंगे, उसको एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा सोच के देखना कि वो एक्सपेंसेस इन तीनों में से कुछ रिलेटेड है या नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज में, ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, जो भी चीज हो, किसी में भी अगर कुछ डाउट है या किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ में आता है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इनकम्स की।
इनकम के अंदर में ज्यादातर ज्यादा पोर्शन नहीं होता है, ज्यादातर चीजें इसके अंदर में नहीं आती है। जो इनकम है हमारी रिलेटेड, जैसे कि रेंट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, ये जो सारी चीजें हैं ये आती है हमारे कहां पर, इनकम साइड में। जो ज्यादा चीजें हमारे प्रैक्टिकल्स के अंदर में दी जाती नहीं है, नॉर्मली बहुत कम चीज होती है। अब यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कुछ तीन चार चीजों पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वो तीन चार चीजें कौन सी है, क्योंकि आप सर यहाँ पर हम क्या होते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर हमारी गड़बड़ होती है। नंबर वन रेंट, नंबर टू कमीशन, नंबर थ्री इंटरेस्ट। रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एंड नंबर चार डिस्काउंट। ये चार चीजें ऐसी है जो कभी कभी एक्सपेंस भी होती है और कभी कभी इनकम भी होती है। कभी कभी हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब याद रखना ये रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये चार चीजें इनकम भी होती है और एक्सपेंस भी होती है। इसको समझना है, कैसे समझना है, आप देखो इनकम किसे कहते हैं। अगर आपने रेंट रिसीव्ड किया तो आपके लिए इनकम है, मतलब आपको रेंट क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन अगर आप रेंट पे कर रहे हो, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। बराबर है, बस यही लॉजिक लगाना है थोड़ा सा समझने के लिए। कमीशन सेम, कमीशन एक्सपेंस कब होगा, जब हम पेड करेंगे, क्योंकि पेड करेंगे वो एक्सपेंस होगा। और अगर कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, इनकम। सेम इंटरेस्ट, पेड किया तो एक्सपेंस, रिसीव किया तो इनकम, एंड से भी डिस्काउंट। और डिस्काउंट रिसीव पेड नहीं आता है, डिस्काउंट में रिसीव पेड नहीं आता है। डिस्काउंट में ज्यादातर जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, डिस्काउंट अलाउड। यहां पे डिस्काउंट अलाउड यूज किया जाता है। अभी डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। अब जब किसी को डिस्काउंट दोगे तो ऑब्वियसली क्या है, वो एक्सपेंस हो जाएगा। एंड डिस्काउंट रिसीव, यहां पे सेम आएगा, रिसीव डिस्काउंट रिसीव। तो ये चार चीजें ध्यान में रखनी है, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस भी होता है, इनकम भी होता है। तो समझना यह है कि ये एक्सपेंस है या इनकम है, पहले चीज। अगर रेंट पेड का है तो एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड का है तो इनकम है। सेम कमीशन, पेड का है तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड का है तो इनकम है। इंटरेस्ट, पेड का है तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड का है तो इनकम है। सेम डिस्काउंट, अलाउ किया तो एक्सपेंस है, रिसीव्ड किया तो इनकम है। ये हो गया चार चीजें जो ज्यादातर हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरी चीज, अब ये चार चीजों को समझना कैसे। अब बोलेंगे सर मैंने कोई सम निकाला जिसमें पेड नहीं निकाला, अब क्या करेंगे सर, समझेगा कैसे। सिर्फ लिखा था रेंट, सिर्फ लिखा था कमीशन, सिर्फ लिखा था इंटरेस्ट, सिर्फ लिखा था डिस्काउंट, अब कैसे समझ में आएगा। अब समझने का दूसरा तरीका सिंपल, आपको ये जो एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस कहां पे दिए जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में दिए जाएंगे। कहां पे दिए जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ये होता है डेबिट बैलेंसेस और ये होते हैं आपके क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में ये होते हैं डेबिट बैलेंसेस और ये होते हैं क्रेडिट बैलेंसेस। कैसे समझेंगे कि वो एक्सपेंस है कि इनकम है। सर यहां लिखा हुआ है रेंट, यहां भी लिखा हुआ है रेंट, यहां लिखा हुआ है कमीशन, यहां भी लिखा हुआ है सर कमीशन। कैसे समझ में आएगा ये, सिंपल। डेबिट में जो लिखा है वो एक्सपेंस होता है और क्रेडिट में जो लिखा है वो इनकम होता है। मतलब
डेबिट में जितने भी चीजें लिखी है वो एक्सपेंसेस होती है। रेंट डेबिट में लिखा एक्सपेंस है, कमीशन डेबिट में लिखा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है एक्सपेंस है, डिस्काउंट लिखा है तो भी वो क्या है एक्सपेंस है। सेम अगर क्रेडिट साइड में ये चीज दी है तो वो क्या होती है इनकम। सबसे सिंपल तरीका है कि अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अगर ये चारों चीजें दी है तो वो एक्सपेंस है, और अगर ये चारों चीजें अगर क्रेडिट साइड में दी है तो वो इनकम है। तो ट्रे हो गए कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग कुछ बातें, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ बातें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके अंदर में फिक्स कैपिटल मेथड होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, जिसके ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर चार स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ अकाउंट? नो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जो क्या करता है एक पर्टिकुलर, क्या करता है पर्टिकुलर डेट के बैलेंस को शो करता है और पोजीशन को शो करता है। क्या करता है ये पर्टिकुलर डेट के बैलेंसेस और पर्टिकुलर डेट की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है शो करता है। मतलब आज के दिन हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैसे बैलेंस शीट। अब यहां पे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंसेस नहीं होते क्योंकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, क्योंकि जो अकाउंट नहीं है वहां डेबिट और क्रेडिट का सवाल पैदा नहीं होता है। और अगर गलती से यहां पे तुमने इसको डेबिट और इसको क्रेडिट बोल दिया तो आपका ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा रॉन्ग। पहले मार्किंग देते फिर भी नहीं समझ में आता है क्या हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए यहां पे गलती से भी बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं है, बैलेंस शीट पर डेबिट क्रेडिट लिखना महापाप है, उसकी सजा क्या है पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग। इसलिए चलो ठीक है, इसके अंदर में जो हम लिखेंगे वो होती है सबसे पहले लायबिलिटीज और यहां पर होती है एसेट्स। मैंने अभी बोला था कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट जिसके ऊपर हम लिखते हैं एज ऑन फर्स्ट या 31st March 2019 जो भी ईयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर हम नेक्स्ट आगे यूज कर रहे हैं। अब क्या होगा, बैलेंस शीट आपका पोजीशन बताएगा इस पर्टिकुलर डेट का, कौन सी 31st March 2019 में आपकी पोजीशन क्या है, मतलब आपके पास लायबिलिटीज कितनी है और बिजनेस की असेट्स कितनी है। लायबिलिटीज मतलब इन सिंपल लैंग्वेज लायबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने किसी से कुछ ले रखा है, कुछ कर्जा लिया है जो आपने क्या करना है वापस करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज एसेट्स, आपके प्रॉपर्टीज, बिजनेस की प्रॉपर्टीज, नॉट आप बिजनेस, क्योंकि जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये किसी पर्सन का नहीं है, ये है पर्सन का लेकिन ये कौन से पर्सन का है बिजनेस का है। ये बिजनेस के नाम से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो बिजनेस। सो खैर वो बाद में बात करते हैं। ये हो गया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब लायबिलिटीज और एसेट्स में मोस्टली जो यूज होती है वो जो चीजें आती है वो क्या आती है, सबसे पहला आता है कैपिटल, क्या आता है कैपिटल, उसके बाद में आता है सन्ड्री, क्रेडिटर्स, बिल्स,
पेबल, बैंक लोन और भी चीज आती है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होती है वो मैंने बस इन शॉर्टकट में चीजें बताई है। इसका पूरा बैलेंस शीट का एक पेज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उस पर एक बार देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एसेट्स, आपके पास क्या एसेट होती है? लैंड होती है, ये एसेट है। आपके बिजनेस की बिल्डिंग, ये आपके एसेट है। बिजनेस है तो फर्नीचर भी होगा, ये एसेट है। आपके पास प्रीमाइसेस होगी, आपके पास में सन्ड्री डेटर्स होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, आपके पास कैश तो होगा ना, और उसके साथ साथ बैंक बैलेंस भी होगा। तो ये मोस्टली आने वाली कुछ चीजें है, बाकी भी और भी कुछ चीजें हैं जो आपके बैलेंस शीट में पेज टेक्स्ट बुक में पेज है उस पर पूरी के पूरे लिस्ट दी हुई है, आप उस पर एक बार रेफर करोगे तो समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन, क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं उसे जिससे हम गुड्स क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पर परचेज करते हैं। कैसे परचेज करते हैं? क्रेडिट बेसिस पर, क्रेडिट उधार, क्या उधार, कि जिस पर्सन से हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पर परचेज करते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सिर्फ क्रेडिटर्स का मतलब क्या और सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या? दोनों भी सेम चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स किसे कहेंगे, इसको उल्टा कर दो, क्या होगा? वो पर्सन जिसको हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट बेसिस। जिस पर्सन को हमने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सोल्ड किया उस पर्सन को कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। ओके, इसके बाद